देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भाजपा का सदस्यता अभियान अब 2 सितंबर से शुरू होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बुधवार को ओबीसी मोर्चा की सदस्यता अभियान कार्यशाला में कहा कि 2 सितंबर से पार्टी के कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाना है। सदस्यता अभियान पार्टी व संगठन के विस्तार का बड़ा अवसर होता है। हम सभी को लक्ष्य तय करके सदस्यता अभियान में जुटना होगा। छत्तीसगढ़ में आज सीएम हाउस में तीजा पोरा त्यौहार मनाया जाएगा और उसी दिन महतारी वंदन योजना की सितंबर महीने की किश्त भी दी जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में इसकी जानकारी दी है। 1,00,000 सरकारी नौकरियां देने के अपने वादे को पूरा करते हुए असम सरकार आज 23,900 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेगी। समग्र शिक्षा के तहत 23,956 संविदा शिक्षकों को स्थायी शिक्षक नियुक्ति पत्रों का औपचारिक वितरण गुवाहाटी के खानपारा पशु चिकित्सा महाविद्यालय मैदान में आयोजित किया जाएगा। शाजापुर जिले में पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के किए गए वादे को पूरा कराने की मांग को लेकर आज अतिथि शिक्षक अर्थी यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन की रूपरेखा को लेकर मंगलवार को मोहन बड़ोदिया में बैठक आयोजित की गई। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज रोहतास जिले के डेहरी में उनका कार्यक्रम है। प्रखंड क्षेत्र के भैसहा पंचायत अंतर्गत बस्तीपुर में मुख्यमंत्री के होने वाले संभावित कार्यक्रम को लेकर सभी विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। बिहार के दरभंगा में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में होने वाले परेड में एनएसएस स्वयंसेवकों की सहभागिता के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय में तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि इसको लेकर परेड पूर्व स्वयंसेवकों के चयन के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में आज शिविर का आयोजन होगा। आज से उदयपुर कोटा आगरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। रेल मंत्रालय ने उदयपुर कोटा आगरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का बूंदी में ठहराव घोषित किया है। इसके बाद रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नया शेड्यूल जारी किया है। झारखंड के जामताड़ा में मनरेगा कर्मी का 43 दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इस दौरान आज पुनः ग्रामीण मंत्री आवास घेराव किया जाएगा। जिले से अधिक संख्या में रांची जाना है, जिसकी तैयारी सभी मनरेगा कर्मियों ने पूरी कर ली है। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रामपुर में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस रोजगार मेले में शामिल होकर युवा रोजगार पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में आज एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। बता दें कि आज इंदौर में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं के चलने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज के दिन सन 1573 में अकबर ने गुजरात फतेह किया था। आज के दिन 1946 में जवाहरलाल नेहरू के उपसभापतित्व में अंतरिम भारत सरकार का गठन हुआ था। आज के दिन 1970 में कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक का उद्घाटन हुआ था। आज के दिन 1971 में भारतीय अभिनेता पवन कल्याण का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 2009 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस रेड्डी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद लापता हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।